देव उठनी एकादशी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है, तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा, उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ सदा निवास करूँगा।